नमस्कार, मैं हूँ रीना और आप देख रहे हैं विंद भारत। ग्वालियर में 23 साल का एक युवा जनपद अध्यक्ष बन गया। वो बनना तो चाहता था बड़ा अफसर, लेकिन बन गया नेता। तैयारी कर रहा था पीएससी की, लेकिन पिता की इच्छा पूरी करने के लिए चुनाव में खड़ा हो गया। वो जीत भी गया और अब वो जनपद अध्यक्ष चुन लिया गया। नाम है दिलराज किरार। दिलराज किरार अब मुरार जनपद पंचायत का नया अध्यक्ष है। लेकिन पिता ने कहा कि पंचायत चुनाव लड़ो। बेटे ने पिता की बात मान ली और आज परिणाम सामने है। दरअसल दिलराज के पिता ने अपने बेटे से चुनाव लड़ने के लिए क्यों कहा, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। मुरार जनपद पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिलराज किरार के पिता का सपना था कि वो पंच सरपंच बने। उन्होंने पिछले 25 साल में सरपंच, जनपद और जिला पंचायत में 5 बार चुनाव लड़ा, लेकिन हर बार हार गए। पिता का सपना तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन हसरत बाकी रही। जब बेटा बड़ा हुआ तो उन्होंने उसमें अपना भविष्य देखा और ख्वाहिश जाहिर की। बेटा भी पिता की बात टाल ना सका। दिलराज ने जनपद पंचायत मुरार के वार्ड नंबर 5 से सदस्य का चुनाव लड़ा और जीत गया। फिर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में 25 सदस्यों वाली जनपद में से 18 वोट हासिल हुए और इस तरह दिलराज जनपद अध्यक्ष बन गया। मुरार की कमान 23 साल के युवा के हाथ। ग्वालियर की सबसे बड़ी जनपद पंचायत मुरार की कमान 23 साल के युवा के हाथ में आ गई है। अध्यक्ष पद ओबीसी के लिए आरक्षित था। जनपद अध्यक्ष के लिए बीजेपी समर्थित दिलराज मैदान में उतरे। कांग्रेस ने पिंकी गुर्जर को चुनाव लड़ाया। 25 सदस्यों ने मतदान किया। 18 सदस्यों ने बीजेपी समर्थित दिलराज सिंह को वोट दिए। कांग्रेस समर्थित पिंकी गुर्जर को महज 7 वोट मिले। इस तरह मुरार जनपद में बीजेपी समर्थित दिलराज ने 11 वोट से जीत दर्ज की। बीजेपी समर्थित दिलराज किरार राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा के समर्थक हैं। दिलराज पोस्ट ग्रेजुएट हैं और जनपद के सभी गांवों का विकास करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी।